म्यूजिक। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, और आज हम ये वीडियो का सेकंड पार्ट आप देख रहे होंगे, लगातार कंटिन्यूस जो आ रहा है इंटरसेप्टर पे हम कुछ काम करवा रहे हैं। और आज जो काम होने वाला है वो है इस बाइक का मॉडिफिकेशन। उस मॉडिफिकेशन में हम करवाने वाले मॉडिफिकेशन करण, जैसे हम क्या कराएंगे अभी फिलहाल, हम अलॉय व्हील को निकलवा के इसमें स्पोक में लगवाएंगे एवेंजर का रिम, जिससे थोड़ी बल्की दिखाई देगी, थोड़ी हाइट छोटी हो जाएगी। एक चीज़ अलॉय रिम हो गया, दूसरी हेडलाइट होगी, फॉग लाइट हो गया, पीछे वाले बंदर। चलो गाइस चलते फटाफट, बाकी ब्लॉग के साथ बने रहिए, मॉडिफिकेशन दिखाते हैं आपको किस तरीके से तैयार करवा रहे हैं हम अपनी बाइक। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए शॉप पे, और अभी हमने अपनी बाइक दे दी है भैया को, वो फटाफट उस बाइक का काम स्टार्ट करवाते हैं। एक्साइटेड है इस काम को देखने के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, और देखते हैं कैसा रहने वाला है। और मैं तो वही सोच रहा हूँ कि यार बल्कि टायर लगने वाला है, फाइनली हमारी इंटरसेप्टर कैसी लगने वाली है, तो फटाफट चल। सो गाइस जब हमने अपने इंटरसेप्टर के हब घर पे ही खोल लिए थे, और उस हब को हमने लेके गए थे राजू भैया के यहाँ पर, पहले उनको दे दिए थे लगवाने की डेट से 4 दिन पहले शायद हमने दे दिए थे, जिससे उनको भी बहुत इजी रहा और काम होने में तसल्ली हुआ, और बहुत बढ़िया तरीके से काम हमारा हो गया था। तो आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो। तो गाइस देखिए, हमारा जो हमने लास्ट टाइम देके गए थे भैया को, अपना इंटरसेप्टर का हब वो बन चुका है, पूरी तरह से एवेंजर के अलॉय लग चुके हैं, और बड़ा सॉलिड लग रहा है, बढ़िया लग रहा है ना। और ये है आपका फ्रंट का, और ये हो गया है बैक का, जबरदस्त सॉलिड है। आप देखो कितना बड़ा है, अंदाजा लगा लो, तो मस्त लग रहा है पूरा। और बाइक भी हमारी आ चुकी है। जो हम ब्लॉग बनाएंगे वो राल्को के टायर और जो इसका रिम अभी हमने चेंज करवाया, उसके बाद देखते हैं ऑलमोस्ट कितना फर्क पड़ता। मेरी बात बता रहे भैया 19-20 ही बता रहे हैं। सो राजू भाई बस इतना बताइए, अगर किसी ने अपना बेस्ट काम करवाना है तो कैसे कराए? आपने जो सफर करा ना, उसका फल ये मिला कि आपको सारे आइटम जन्म मिले। अच्छा जी, ओरिजिनल ओरिजिनेबल प्राइस में, ओरिजिनेबल प्राइस में, वरना ये अगर मैं किसी और को करता ना तो रिलेटिव 15-16 हज़ार तक मैं देता भी हूँ। अच्छा, जुबान रहेगी, सिर्फ जुबान की बात रहेगी, इसमें मैंने करना पड़ा, करना पड़ा, मैंने कमाया कुछ नहीं इसके अंदर, दे दिया, लेकिन मैंने बताओ मैं नहीं चाहता। अभी इन भैया ने हमारी बाइक के दोनों टायर निकाल कर इसका पहला फ्रंट टायर सेट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट राल्को का हमारा पहला टायर आगे वाला लग चुका है फ्रंट टायर, और अब ये हो जाएगा अपना फ्रंट का टायर रेडी। सो गाइज यहाँ पर जब तक ये काम होता रहेगा हम फटाफट जाके बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा लंच भी करके आते हैं। तो गाइस अभी उन लोगों का भी लंच टाइम चल रहा है, और हम लोग भी आने आए हैं अभी लंच करने, और करोल बाग में भी देखते हैं यहाँ पर क्या स्पेशल मिल सकता है हमें। पापा को पता है कि पापा ने यहाँ पर अच्छा खासा टाइम निकाल रखा है। कितने साल पहले पापा आते थे यहाँ पर? 2005 में पापा का जॉब यहीं पर ही था, और अभी कौन सा कॉम्प्लेक्स है ये? पुराना हो गया, कॉम्प्लेक्स भी बंद हो गया। अभी फिलहाल लंच करने आए, फटाफट लंच करते हैं और फिर वापस चलते हैं अपने ब्लॉक के लिए। भाई नान और सब्जी खा के मज़ा आ गया, चलते हैं वापस। सो गाइस बाइक की लुक को और ज़्यादा मस्त बनाने के लिए मैंने लगा दिया इसमें प्रो टेपर का एक इसका हैंडल कवर, जो बताइए आप कमेंट करके कैसा लग रहा है यार। तो गाइज फाइनली हो गई अपनी बाइक रेडी, और अभी आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या काम अभी करवाया है हमने। तो गाइज ये लगा है अपना ऑयल कैप लगा है इसमें, और अपना प्रो टैपर का, जिससे लुक और ज़्यादा बेटर लग रही है आप देख रहे होंगे। और ये अपना राल्को का फैटी टायर लग चुका है, एवेंजर का रिम लग चुका है,
130 90 15 का हमने इस पर फ्रंट टायर लगा दिया। और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे जो इसमें लग रही है वो है इसका headlight. स्टार हेडलाइट इसकी, ये देखो ये लग रही है मुझे एक नंबर चीज, इग्निशन चेन मस्त सही लग रही है। कब आप बैठो अभी अगर देख लेते कैसी आ रही है। लग भी बढ़िया लग रही है इसमें। फाइनली बाइक हो गई है हमारी कंप्लीट। सो ओके गाइज, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी और आने वाले न्यू व्लॉग में। SKD बाइक में आप काम करवा सकते हो, हमने भी यहीं से काम करवाया, बाकी एकदम फाइन काम हुआ है और प्राइस भी काफ़ी रिजनेबल और बहुत बढ़िया लिया है। तो आप आओ, चाहो तो यहाँ पर विजिट करके आ सकते हो, जो भी बेस्ट प्राइस होगा भैया लगा देंगे आपको। Day, the next day, the next day. सो गाइस, फैट टायर लगाने के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी सिटिंग पोस्चर की। जिस तरीके से आप लोगों को पता है बाइक की हाइट और थोड़ी सी कम हो गई है, तो अगर आप 5'6 या 5'7 के भी हैं तो भी आपके दोनों पांव आराम से पहुंचने वाले हैं बाइक में अब। और इसका एक प्रॉपर डिटेल वीडियो मैं बनाने वाला हूं आफ्टर 1 मंथ यूज़ करने के बाद कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है। बाकी जब तक गाइज आप मुझे ये बता सकते हो कमेंट करके कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए आपको तो भी मुझे आप कमेंट कर सकते हो। बाकी व्लॉग पसंद आया हो तो गाइज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे किसी और आने वाले न्यू व्लॉग में। जब तक के लिए करते हैं गाइज आपको बाय।